मोकामा में एक चुनावी बिगुल फूंक दिया जा चुका है, आचार संहिता लग चुका है और बहुत जल्द तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने प्रत्याशियों के नामों की औपचारिक घोषणा कर देगी। लेकिन हरा गमछा लेकर नीलम देवी जो है वो तेजस्वी यादव के नारे को बुलंद करती हुई मोकामा की सड़कों पर घूम रही है। पिछले 24 घंटों से नीलम देवी मोकामा में है। कल विजयदशमी के दिन सुबह सवेरे पटना में सरकारी आवास जो है अनंत सिंह का, वहां से उनका काफिला निकलता है और मोकामा पहुंचता है। और आज की बात करें तो आज पंडारक में उनका यात्रा था और पंडारक जो प्रखंड है उसके अंतर्गत पंचायत और गांवों में जनसंपर्क यात्रा किया गया है नीलम देवी के द्वारा। आज कई गांवों में वो घूमी है जिसमें बलवाने हैं, लालपुरा है, दरवे है, भदौर, कुर्मीचक, खुशहालचक, सिंधही, अजगरा, खजुरार, सिकंदरतर और बरूपुर, ये तमाम गांवों का दौरा किया गया है नीलम देवी के द्वारा। और जो पारंपरिक नृत्य होता है, जो पारंपरिक संगीत होता है किसी भी क्षेत्र का, खासकर मोकामा की बात करें टाल का क्षेत्र है, उस जगह का जो पारंपरिक संगीत है उसको बजाकर नीलम देवी का स्वागत किया गया है। नीलम देवी पंडारक में घूम रही हैं। पंडारक के जो स्थानीय लोग हैं वो दिल खोलकर नीलम देवी को अपना प्यार उठा रहे हैं। कारण है कि अनंत सिंह की पत्नी है नीलम देवी और अनंत सिंह दो मामलों में सजायाफ्ता है। पिछले कुछ दिनों से जो विवाद है वो अनंत सिंह का पीछा नहीं छोड़ रहा है और अनंत सिंह को दो मामलों में पटना के विशेष MPML कोर्ट के द्वारा दो मामलों में अलग अलग 10-10 सालों की सजा सुनाई गई है। इसके बाद से उपचुनाव की घोषणा हुई और उपचुनाव के पहले से ही नीलम देवी जो है वो मोकामा में लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं, मिल रही हैं और आज उसी कड़ी में पहुंची हैं ढोल और नगाड़े के साथ। जो उनके तमाम समर्थक हैं वो नीलम देवी के साथ घूम रहे हैं क्षेत्र में। देखिए किस तरीके से नीलम देवी को स्वागत किया जा रहा है नीलम देवी का। पंडारक में आज नीलम देवी का दिन गुजरा है। नीलम देवी हरे गमछे के साथ तेजस्वी यादव के नारे को बुलंद करते हुए मोकामा घूम रही हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ दिख रही हैं कि चाहे भाजपा की तरफ से प्रत्याशी कोई भी हो लेकिन जब चुनाव होगा तो मोकामा की जनता जो है वो नीलम देवी के साथ होगी और नीलम देवी ही वहां से विधायक बनकर इस उपचुनाव में, बिहार के दो सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है गोपालगंज और मोकामा से जीत कर रन फतह करके बिहार विधानसभा में अपनी कुर्सी पर विराजमान होंगी।